जी हाँ दोस्तों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं अनुष क्रिएशन, अरुण क्रिएशन वॉल्यूम 8, जो कि एक कोर्स है 25 जुलाई से 25 अगस्त तक स्टार्ट होने वाला है। इस कोर्स में जो हम करने वाले हैं फोटोग्राफी, लाइटरूम, फोटोशॉप, डिजिटल आर्ट, कलर ग्रेडिंग का पार्ट इसमें कवर होने वाला है। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि जो मल्टीपल ब्रैकेट इमेजेस हैं जो आप कैमरा से क्लिक करते हैं, उनको यूज़ करके आप लाइटरूम में उनको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कि आप एक HDR इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। HDR इफ़ेक्ट जो है हाइलाइट्स और शेडोज़ का एक कॉम्बिनेशन जो कि कैमरा क्लिक नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट, और आपके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, जैसे फिल्टर नहीं है आपके पास, उनको यूज़ करने के बाद आप कैमरा में डायरेक्टली उनको क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस को। अगर आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, आप जो कैमरा में ब्रैकेटिंग का फीचर है उसको यूज़ करके आप उसके मल्टीपल जो शॉट्स हैं ले सकते हैं। उसमें आप शॉट्स ले सकते हैं, आपको मैं इमेजेस दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं। जी हाँ, ये जो शॉट है इसका मैं जो डिस्क्रिप्शन आपके लिए ऑन कर दूँ, आप देखिए कि डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑन किया है 1/60 इसका जो है शटर स्पीड f6.3 ISO 250 16mm पे जो मैंने इसे क्लिक किया है। और जो नेक्स्ट फोटो है आप देखेंगे कि 1/200 पे इसने इसे ज़्यादा अंडर एक्सपोज कर दिया है, बिकॉज कि जो आपका जो स्काई का पार्ट है उसको ये एक्सपोजिंग प्रॉपरली जो है उसको करने की कोशिश कर रहा है। और 1/400, देन 1/320, देन 250, देन 160, देन 125 और 1/100, देन आई हैव जी मेरे पास जो अभी अवेलेबल हैं जो शॉट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आई हैव 8 शॉट्स। आप इनको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटरूम CC। जी कुछ कैमरे का जो पार्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आप ब्रैकेट कैसे क्लिक कर सकते हैं। आप मैंने जो क्लिक की हैं जो फ़ोटोज़ नाइकन D810 जो कैमरा है उससे मैंने क्लिक की हैं, और कैमरा के जो फ्रंट लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे BKT नाम से एक आपके पास बटन है। अगर आप उस बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप जो मेन कमांड डाला उसको रोटेट करेंगे, आपके पास जो है ब्रैकेटिंग का फीचर ऑन हो जाएगा और वहाँ से आप शॉट्स देख सकते हैं कि आपको कितने शॉट्स चाहिए, 3 चाहिए, 5 और जितने भी आपको शॉट्स चाहिए वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने आपको शॉट्स वहाँ से क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आप उनको आप लाइटरूम में डाल लीजिए। ये जो फ़ोटोज़ हैं इनको आप सिलेक्ट कर लें, आप इनसे HDR इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आइए देखें। सबसे पहले आप प्रेस करें कीबोर्ड से कंट्रोल और 1/1 जो है इन फ़ोटोज़ को आप सिलेक्ट करते रहें जिनको आपने ब्रैकेटिंग को यूज़ करके क्लिक किया है। और ब्रैकेटिंग के लिए रिकमेंड है ट्राइपॉड। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो है आप अगर ब्रैकेटिंग का फीचर जो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्राइपॉड जो है उसको यूज़ करें। ये जो क्लिक है मैंने हैंड हेल्ड क्लिक किया है, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि जो हैंड हेल्ड पोजीशन जो फास्ट शटर स्पीड के ऊपर मैं उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। कंडीशन इसमें ये रहेगी कि आपको कैमरा मूव नहीं करना है। आप एक स्टडी पोजीशन लीजिए, कैमरे को होल्ड कीजिए और शटर को प्रेस कीजिए, लाइब्रेरी मॉड्यूल में क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए फ़ोटोज़ के ऊपर और फ़ोटो मर्ज का जो ऑप्शन है यहाँ पे एक HDR इफ़ेक्ट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इन फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे ऑटो अलाइन, ऑटो टोन और इस तरह के कुछ ऑप्शन हैं जो आपको कुछ
दिखेंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन है डी गोस्ट अमाउंट का, और आप इसे ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे मुझे चाहिए मीडियम। ये जो गोस्ट इफ़ेक्ट है, मान लीजिए आप जो है मल्टीपल शॉट ले रहे हैं, और उस केस में जो ट्री के लीव्स हैं वो मूव होते रहते हैं और एक जो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं वो गोस्ट टाइप का जो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप ये जो इफ़ेक्ट है डी गोस्ट उसको मीडियम पे रखें, तो आपको बहुत ही अच्छे जो हैं रिज़ल्ट मिलेंगे। ये जो कमांड है बहुत ही हैवी कमांड है, इसको प्रोसेस होने के लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन जो पीसी है तो बहुत ही जल्दी से ये जो है काम होने वाला है। और जी हाँ, मेरे पास जो अभी जो इमेज है उसको जो है लाइटरूम ने इसको मर्ज कर दिया है। और यहाँ पे मैं जो मर्ज का बटन उसके ऊपर क्लिक करूँगा, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्रिएटिंग HDR फ़ोटो, ये जो है एक HDR जो फ़ोटो है उसको क्रिएट करने वाला है। और सभी को मर्ज करने के बाद एक ये जो है इमेज क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली लाइटरूम CC। और ये आप देख सकते हैं कि लाइटरूम CC ने इन फ़ोटोज़ को मर्ज कर दिया है और एक DNG फाइल क्रिएट किया है, और इसका ऑटोमेटिकली जो नाम रखा गया है HDR2। आप इसे बार को क्लोज कर दीजिए और डेवलप मॉड्यूल में जाइए, और आप देख सकते हैं कि लाइटरूम CC ने इसे मर्ज कर दिया है इन फ़ोटोज़ को, और एक HDR इफ़ेक्ट जो क्रिएट किया है, और इसका जो नाम ऑटोमेटिकली रखा गया है लाइटरूम की ओर से वो है HDR2। तो आइए फर्दर इस फोटो को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है जो लाइटरूम ने मुझे दी हैं, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। और इसको एज शॉर्ट रख सकते हैं, वाइट बैलेंस को थोड़ा सा इसे मैं शॉर्ट, जी हाँ थोड़ा सा इसका मैं जो है इंक्रीज़ कर सकता हूँ वाइब्रेंस। और उसके बाद ये जो आपके पास बटन है इसको क्लिक कीजिए, और डायरेक्टली आप इमेज से जो भी कलर बढ़ाना चाहते हैं, सैचुरेट करना चाहते हैं, डायरेक्टली मूव कीजिए अप और डाउन इस बटन को। देन अगर आपके पास ब्लू इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसको डायरेक्टली आप मूव कीजिए अप और डाउन यहाँ से भी, और यहाँ से, और किसी भी कलर को आप डाउन करना चाहते हैं डायरेक्टली कलर के ऊपर क्लिक करें और उसको आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं। ग्रीन जो है उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, और अगर आप हाइलाइट्स में थोड़ा सा इसे जो है वार्म लुक दे सकते हैं, और शार्पनेस जो मुझे चाहिए, और रिमूव क्रोमेटिक ऑब्रेशन जो आप कर सकते हैं, एनेबल प्रोफाइल करेक्शन ये जो कि बहुत ही मैंडेटरी है कर सकते हैं हम, और इफ़ेक्ट जो है मैं विकनेटिंग का जो देना चाहता हूँ ताकि जो हमारा फोकस है जो सेंटर में रह सके। और यहाँ से थोड़ा सा जो क्लैरिटी इसका बढ़ाना चाहता हूँ, तो इस तरह आप HDR फोटोज जो हैं कैमरा में क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर सब्सक्रिप्शन की जो क्लासेस है हर महीने आप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी डेट फिक्स होती हैं। अगर आप इनमें एडमिशन करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होता है
और उसके बाद आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके आपको मैं जो है वीडियोस बना के देता रहूँ ताकि आपकी एक अच्छी लर्निंग हो सके। और स्टॉक के लिए काफ़ी पूछा जाता है, मैंने स्टॉक क्लिक करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द आपको उसके जो हैं मैं लिंक देने वाला हूँ। ऑलरेडी कुछ लिंक मैं छोड़ चुका हूँ वीडियोस में, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कुछ स्पेशल जो होगा आपके लिए मैं देने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग आर इंस्पिरेशन।